अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत होंगे। अच्छा, आज मैं लाई हूँ बहुत मज़े के चटपटे से बहुत अच्छे से आलू, जो कुरकुरे भी हैं, क्रिस्पी भी हैं और बहुत खाने में भी अच्छे हैं। देखें, ये देखें, इस तरह के आलू हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं ये। मैंने दो आलू लिए हैं, कच्चे आलू हैं और बड़े साइज़ के आलू हैं ये। अभी इसे मैं काट लूँगी, छोटे छोटे पीस इसके काट लूँगी। ये देखिए, इस तरह के पीस काट लूँगी मैं। आप अपने लिहाज से छोटा बड़ा जैसा पीस चाहते हैं आप काट सकते हैं, लेकिन छोटा पीस काटेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। देखिए, इतना बड़ा पीस काटेंगे। ये देखें, मैंने इस तरह के इतने छोटे काट लिए हैं। अच्छा, मैंने एक पैन लिया है, अब इसमें मैंने पानी डाला है, तकरीबन 3 गिलास पानी है ये। अब इसमें मैं डाल दूंगी आधी चम्मच हल्दी, हल्दी और आधी चम्मच जो है आधी टीस्पून नमक डाल के उसे घोल लेंगे और पानी में हम आलू डालेंगे। आलू डाल के हम इसे 5 मिनट तक पकाएंगे कि हाफ कुक होना है आलू को, आधा यानी 50% गल जाना चाहिए आलू। और इसके बाद हम उतार लेंगे, आधे कच्चे आधे पक्के आलू हम उतार लेंगे। 5 मिनट बाद हम इसे देखते हैं। देखें, 5 मिनट बाद हम इसे देखते हैं, गल गया है। हाँ, तकरीबन ये 50% तक गल गया है ये। इसमें मैंने देखें आधे टीस्पून नमक और थोड़ी सी हल्दी डालकर आलू को उबाला है। तकरीबन ये 50% तक पकना चाहिए, फिर हम इसे उतार लेंगे। ये पक गया है 50% तक, थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का है ये। इसे हम उतार लेते हैं, निकाल लेते हैं पानी से। अच्छा, देखें आलू जो है इसको मैंने ठंडा कर लिया है, थोड़ा ठंडा हो गया ये। इसमें मैंने हल्दी इसीलिए मिलाया था कि इसमें रंग अच्छा सा आ जाता है। अब इसमें हम डालेंगे ये कुटी मिर्च है, कुटी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून, पेपरिका पाउडर 1 टेबल स्पून, चाट मसाला ये भी 1 टेबल स्पून, और ये मैंने लिया है धनिया, कुटी हुई धनिया है, ये भी मैं डाल दूंगी 1 टेबल स्पून। अच्छा, इन सबों को मैं मिक्स कर लूँगी। ये मैंने डाले इसमें स्पाइस मसाले डाले हैं, सब मैंने मिक्स कर लिया है। ये देखिए, अच्छा अब इसमें मैं डालूँगी 4 टेबल स्पून मैदा और 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर या कॉर्न स्टार्च, जो भी आपके पास हो डाल देंगे। और इसमें मैं ये थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर है ये डाल दूंगी, ताकि इसका रंग अच्छा सा आ जाएगा। इन सबों को हम मिक्स करेंगे पहले। ऊपर नीचे कर दें, देखें। अब इसमें हम थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब पानी डालेंगे। फिर इसे मिक्स करेंगे, सब को मिक्स करेंगे। 1 से 2 टेबल स्पून पानी डालना है इसमें, ये थोड़ा इसमें चिपक जाए मैदा वगैरह। देखें, अच्छा देखें, मैंने आलू में मिक्स कर लिया सब। अब इसे हम फ्राई करते हैं। ये देखें, आलू में इस तरह की कोटिंग होगी। चलो हम फ्राई करते हैं इसे। देखें, ऑयल को मैंने तेज़ गरम कर लिया है, अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। तेज़ तेज़ गरम करके फिर हम डालेंगे आलू। ये हम सारे आलू डालेंगे। अच्छा देखें, हम इसे 2 मिनट तलेंगे, फिर इसे पलटेंगे। देखिए कितने अच्छे से आलू फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम निकालते हैं, ऑयल से निकालते हैं। देखिए कितने अच्छे क्रिस्पी भी हो गए हैं। ये देखें, सारे आलूओं को मैं निकालती हूँ। देखिए, यहाँ पर तैयार हो चुका है ये आलू। ये देखिए, इसमें मैं चाट मसाला है, चाट मसाला थोड़ा ऊपर से डाल दूंगी। आप पकौड़ों में, आलू में, जो भी चीज़ फ्राई करें इसमें, तो चाट मसाला ऊपर से डाल दें तो इसका जायका बहुत अच्छा आता है। देखें, सबको मिक्स कर लेंगे।
देखो क्रिस्पी कितने हैं। देखो अब इसे मैं प्याले में डालूंगी। देखें देखें कितने क्रिस्पी हैं। अच्छा देखें ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, बहुत अच्छे बहुत मज़े के ये आलू तैयार हुए हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके देखिए क्रिस्पी, देखिए ये देखें कितना अच्छा सा अंदर से भी लग रहा है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसे लगी। चटपटे आलू हैं ये, आप इसे ईद के टाइम पे भी मीठा सब बहुत खाते हैं तो ये नमकीन में ईद में रख सकते हैं आप ये डिश के तौर पर। मेहमान भी खुश होंगे और बहुत टेस्टी भी है ये। आप इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक दीजिए करिए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।